जय माता दी दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज है चैत्र नवरात्रि का छठा दिन और चैत्र नवरात्रि के छठे दिन दुर्गा जी के 9 स्वरूपों में से छठे स्वरूप माँ कात्यायनी जी की पूजा अर्चना की जाती है। देख सकते हैं जी, इस समय मैं माता वैष्णो देवी जी के भवन पर उपस्थित हूँ और आप छठे नवरात्रि पर मौसम का भी अनुमान लगा सकते होंगे कि घने बादल घाटी में छाए हुए हैं। और मान्यता अनुसार अगर आपको बताएं तो माँ कात्यायनी जी को हमेशा 4, 10 या फिर 18 भुजाओं के साथ ही चित्रित किया जाता है। तो चलिए अपने छठे नवरात्रि की शुरुआत करते हैं देवी माँ का नाम लेकर। जयकारा माँ शेरा वालिदा, बोल साचे दरबार की जय। और इस वीडियो के माध्यम से हम आपको देंगे माता वैष्णो देवी जी के भवन से लाइव अपडेट, तो कृपया करके वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे मेरा एक छोटा सा यही निवेदन रहेगा कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में लिखिए जय माता दी माँ कात्यायनी जी की जय। सुबह सुबह जी व्रत वाले पकौड़े ले लिए हैं, साथ में चाय ले ली है, साथ में अपना भाई बैठा है, जय माता दी, जय माता दी जी, जय। एक और भाई बैठा है, जय माता दी। दोस्तों कल रात से ही भवन पर बार बार बारिश आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, यही हो रहा है। अभी फिर से अचानक से बारिश आ गई थी और दोबारा से रुक गई है, लेकिन आप अनुमान लगा सकते हैं कि अगले 2 दिन तक और मौसम खराब ही रहने वाला है भवन पर। देखो ये 3 नंबर लाइन में तो भीड़ है ही है, लेकिन कल रात को जो 5 नंबर गेट पे भीड़ बढ़ी है उसका भी आप कोई अनुमान नहीं लगा सकते। जो 5 नंबर का पास चल रहा था कल रात को 2 से 3 घंटे के लिए बंद कर दिया गया था SDM सर द्वारा, और जिनके पास पास था उनको भी समझ लिए जनरल लाइन में लगना पड़ रहा था दर्शन करने के लिए। अब दोस्तों ये जो आप मेरे सामने लाइन देख रहे हो, ये वाली लाइन, ये देखो जी यहाँ पर लाइन आई हुई है। ये लाइन और कोई नहीं बल्कि 5 नंबर गेट की लाइन है, वो जो वहां से शुरू हो रही है और यहाँ तक आ रही है। फिलहाल के लिए 5 नंबर गेट को एज अ जनरल गेट ही यूज किया जा रहा है, और अगर आपके पास VIP पास भी है तो भी आपको जय माता दी। हमारे भाई आए हैं दिल्ली से। दर्शन कितने घंटे में हुए? जल्दी हो गए, हम तो अटका में गए थे। अटका में गए थे? अरे फिर तो बहुत बढ़िया। और लाइन लंबी लगी है बहुत। हाँ लाइन तो यार बहुत लंबी, कल रात से लाइन इतनी लंबी लगी है, ये क्या बताएं। जय माता दी बोलिए। जय माता दी, जय माता दी। हाल फिलहाल में आज के लिए अगर किसी बंदे के पास 5 नंबर गेट का पास भी है फिर भी उसको इस जनरल लाइन में लगना पड़ेगा। ऐसा है कि भीड़ मेंटेन करने के लिए, जल्दी से जल्दी दर्शन करवाने के लिए सभी को स्टेप लिया गया है, ताकि भवन पर जितने भी श्रद्धालु हैं वो स्लोली स्लोली मूव करते रहें आगे की तरफ। फिलहाल के लिए आपको बता दूं कि ये जो आप सामने लाइन देख रहे हो ये नॉर्मल यात्रियों की लाइन है जो कि 5 नंबर गेट से जा रही थी। लेकिन अब एक और चीज दिखाता हूँ कि इस साइड आपको एक और लाइन दिखाई दे रही होगी जो कि है जिनके पास 5 नंबर गेट का पास है, ये लाइन उनके लिए है। कल रात को 5 नंबर गेट पे पास का सिस्टम बंद कर दिया गया था SDM सर के द्वारा, लेकिन फिर से जैसे थोड़ी बहुत भीड़ कम हुई है पास दोबारा से शुरू कर दिए गए हैं। जो भी सिक्योरिटी फोर्सेस की फैमिलीज वगैरह हैं उनको पास देने शुरू कर दिए गए हैं ताकि वो दर्शन करके वापस कटरा की ओर जा पाएं। जय माता दी। यार भवन पे ठंडना बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, मैं तो सही में बता रहा हूँ सही डिसीजन ले लिया जैकेट मंगवा के घर से। इतनी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है कि क्या बताऊँ, बस सुबह से शाम तक ऐसा ही मौसम रहने वाला है, बारिश पड़ रही है। देखो जी आज तो बर्फ के ओले भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम, और मौसम अगर खुलने की संभावना है अष्टमी या नवमी पे मौसम खुलेगा अब जाकर। जय माता दी। अभी के लिए जो चीज नोटिस करने वाली वो ये है कि जैसे लाइन्स इतनी लंबी है लेकिन फिर भी लाइन्स मूव कर रही है, ज्यादा देर दर्शन करने के लिए किसी को भी नहीं दे रहे, क्योंकि अगर ज्यादा टाइम किसी के एक श्रद्धालु को भी दर्शन कर लेने दिया तो यार पीछे की जो लाइंस होती है ना वो एकदम रुक जाती है। तो बस अभी के लाइंस इतनी फास्ट मूव कर रही है, अगर 3 नंबर गेट से भी दर्शन करने के लिए अभी लगे 3 घंटे में मेरे हिसाब से 3 नंबर गेट से नंबर आ जाएगा, और अगर आपके पास पास है 5 नंबर का फिर तो भाई आप ऑलमोस्ट 1.25 घंटे में दर्शन करके बाहर आ सकते हैं। जय माता दी। तो ये देखिए अभी कालिका भवन में हम थे और हमारे YouTube फैमिली के मेंबर्स मिल गए हैं। सर सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। संजीव कुमार। और आप माता रानी के दरबार में आए हो नवरात्रों में, एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। माता रानी ने 2 बार दिए हैं दर्शन। ओ, क्या बात है। मैं परसों आया था। अच्छा। और कल शाम को ही पहुंचे थे। परसों दर्शन करके हेलीकॉप्टर से आए थे, दुर्गा भवन में रुके थे, शूट किया था यहाँ पर,
सूट में रुके थे और फिर 201 में फिर वहाँ से हम पहुँच गए थे वहाँ कटरा में, कटरा में स्टे किया हमने और वापस आए हो वापस कल शाम, कल शाम को ये दिल किया कि आज हमारी एक नाइट की ट्रेन है, ट्रेन है तो ये दिल किया कि मतलब आज सुबह ना, ये मेरी छोटी बेटी है अन्या सिंह, ठीक है, ये मेरे ब्रदर नीलो की बेटी है आशी, बताओ ना खुद बताओ ना तो माता रानी का इतना बुलावा था कि आज सुबह 5 बजे जाग के चल पड़े। मैंने कहा आज फिर जाना है दोबारा दर्शन, और दर्शन भी हो गए और हाँ दर्शन बहुत अच्छे हुए। आज पैदल आए हैं, पहले भाई उच्चों पर आए थे। अच्छा, माता रानी का बुलावा होता है ये 100% तो है कि बुलावा होता है तभी यहाँ पे पहुँचते हैं। और फिर आपको देखा तो दिल खुश हो गया आपके, मतलब लोग देखते हैं तो मतलब आप दिल में बसे हो, रियली रियली जयकारा लगाते हैं। जयकारा माँ शेरावाली का बोल साचे दरबार की जय। जय माता दी, जय माता। फूलों का काम आज भी एकदम बढ़िया तरीके से चल रहा है। कल के दिन इन्होंने मतलब मेजर मेजर जो पोर्शन था आगे वाला यात्रा मार्ग पर वो कवर किया, और आज के लिए देख सकते हैं जी गेट नंबर 5 के आसपास जितनी भी जगह है उस सारी जगह में फ्लावर्स चेंज किए जा रहे हैं। राम मंदिर के पास भी फ्लावर सारे चेंज किए जा रहे हैं। देखो जी पूरे भवन पर फ्रेश फ्लावर्स आ गए हैं जिनसे एक बार फिर से सजाया जा रहा है माँ भगवती का भवन। जय माता दी। आप अंदाजा लगाइए जी भीड़ देख के स्काई वॉक में कि भवन पर एक्चुअल भीड़ कितनी चल रही होगी। ये देखो जी इधर इस साइड जितना भी फूल पड़ा है ना इस साइड सारा गुलाब है, ऑरेंज गुलाब है, ये हल्का सा पिंक गुलाब देख सकते हो, रेड गुलाब है, व्हाइट गुलाब है, बहुत बढ़िया बढ़िया गुलाब पड़े हैं यार। और यार कल मैंने आपको बोला था कि शायद अर्धकुंवारी ले जाऊंगा आप सभी को, क्योंकि मेरी बुकिंग जो थी वो अर्धकुंवारी में थी कल नाइट स्टे करने की। लेकिन कल रात को यार बारिश इतनी ज़्यादा हो रही थी कि जो हमारे साथ वाले भाई बंधु थे उन्होंने मना कर दिया था कि भाई सचिन भाई इतनी बारिश में। हाँ क्या बात है। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। कहाँ से आए हो? गाजियाबाद से। कैसी रही यात्रा? बढ़िया रही, चलो देख रही हूँ तुम्हारा ही देख के आई हूँ। क्या बात है, दिल खुश हो गया। जय माता दी। तो हमारे जो साथ में भाई बंधु थे उन्होंने बोला सचिन भाई यार इतनी बारिश में आप कहाँ जाओगे अर्धकुंवारी, वहाँ पे आपने सोना है, हल्का सा शूट करना है, ऐसा करना यार शूट किसी दिन बाद में कर लेना जिस दिन मौसम साफ रहा, अभी के लिए फिलहाल ऐसा करो हमारे आप डोरमेट्री बेड पे एडजस्ट कर लो। तो रात को उनके बेड पे थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लिया था, थोड़ा बहुत सो गए थे, और साथ ही साथ आप दृश्य देख पा रहे हो जी यात्रा मार के, और इस साइड है माँ का भवन। जय माता दी। तो दोस्तों आपने वैसे सुना तो होगा कि भक्ति ही शक्ति है, और क्या बात है जी बहुत अच्छा लगा। देखो भाई श्रद्धालु दंडवत करते आ रहा है पूरी यात्रा पे। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। है कि अब एक चीज़ को आप गांठ बांध के याद रखिए कि अगर आप अष्टमी और नवमी पे यात्रा करने आ रहे हैं तो सबसे पहले कटरा पहुंच के आपने जो काम करना है वो करना है जी, आपने अपना RFID कार्ड कलेक्ट करना है, क्योंकि कल रात को भवन पे इतनी ज़्यादा भीड़ बढ़ गई थी, मेरे हिसाब से 8:30 बजे या 9 बजे शाम को यात्रा रोक दी गई थी, RFID कार्ड देने बंद कर दिए गए थे। और जो भाई साहब जो संख्या बड़ी थी भवन पे मैं क्या बताऊँ, ऐसा हो गया था कि दोपहर तक सब कुछ नॉर्मल था, मैं वीडियो एडिट करने बैठा उसके बाद नहा धो के बाहर आया, जब वीडियो पब्लिश कर दी भाई साहब बाहर देखा तो एक और तगड़ी भीड़ हो रखी थी। अभी के लिए मैं इस क्लिप के बाद एक कल रात की क्लिप जरूर लगाऊंगा ताकि आप सब देख पाओ कि कल रात के दृश्य क्या थे भवन पर। जय माता दी। भाइयों भीड़ बहुत बढ़ चुकी है भवन पर, यात्रा रोक दी गई है कटरा में कल शाम को 8 बजे, और देख सकते हैं जी आप ताजा दृश्य भवन से।
इतनी ठंडी हवाएं चल रही है यार भवन पर, दिल तो कर रहा है कि कैप डाल लूं किसी भी हालत में अब, पर कैप लेके नहीं आया, ये भी दिक्कत है। और दोस्तों इस साइड आप माँ कात्यायनी जी के दर्शन कर रहे हैं। जय माता दी। तो ये दोस्तों भंडारा ग्रहण कर लिया जी, भोजन ग्रहण कर लिया, बहुत ही आनंद मिला जी, आनंद की प्राप्ति होती हुई। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। भंडारा ग्रहण कर लिया और यार एकदम आनंद आ गया, क्या बताऊं। हमने आज व्रत में अपने व्रत में खाया दोपहर में कद्दू, कद्दू बहुत टेस्टी था यार, बहुत ज्यादा टेस्टी कद्दू खाया। साथ में था आलू थे, खीर थी, देन कुट्टू आटे की पूड़ी थी और साथ ही साथ ही खिचड़ी। एकदम आनंद आ गया, माता रानी का प्रसाद ग्रहण किया है जी। जय माता दी। ऐसा है कि बाहर बैठते हैं जी जिनका व्रत नहीं होता है, बाहर नॉर्मल भोजन करने वाले श्रद्धालु बैठते हैं, लेकिन यात्रियों को भोजन तभी मिलता है जी जब स्टाफ वाले भोजन ग्रहण कर लेते हैं और जब पंडित जी भोजन ग्रहण करके चले जाते हैं तब। दोस्तों ये है लॉकर नंबर 2 और 3, ये है जी लॉकर नंबर 6, और भवन पे एंट्री करते ही मिलता है आपको लॉकर नंबर 1। और अब बात करते हैं कि सबसे कम समय आपको किस लॉकर में लगे सबमिट करवाने के लिए लगेगा। देखिए जी लॉकर नंबर 1 में आप ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि लॉकर नंबर 1 में आप अपना जब सामान सबमिट करवाएंगे वहीं से नहा के आप वहीं पर अपना सारा सामान रख के दर्शन करने के लिए प्रस्थान कर सकते हैं। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि आगे बढ़ जाते हैं 3 नंबर की तरफ, वहाँ पर वो देखते हैं दर्शनों की लाइन है, उनको कुछ नॉलेज नहीं होती कि अंदर अंदर क्या लेके जा सकते हैं, कोई ना कोई ऐसी चीज़ अंदर ले जाते हैं जिससे उनको वापस लाइन छोड़कर बाहर आना पड़ता है अपना सारा सामान सबमिट करवाने के लिए वापस, जो भी उनके पास रहता है दर्शन करते समय। और अगर बात करें सबसे लंबी लाइन इस समय कहाँ पर चल रही है लॉकर की, तो 3 नंबर जो 2 और 3 नंबर है लॉकर, वहाँ पर बहुत लंबी लाइन चल रही है, 2-2.5 घंटे तो लॉकर में लग रहे हैं केवल सामान सबमिट करवाने के लिए। जय माता दी। आज दर्शनों की लाइन के साथ साथ आपको रोपवे की लाइन में भी बहुत भीड़ देखने को मिल रही होगी। जय माता दी। और इस साइड जी रोपवे जा रहा है श्रद्धालुओं को लेकर भैरव घाटी तक। अच्छा काफी लोग पूछते हैं कि जो ऑनलाइन लाइन जाती है और ऑनलाइन टिकट करवाते हैं रोपवे की, उसमें क्या कोई टाइम स्लॉट होता है? तो हाँ जी बिल्कुल टाइम स्लॉट होता है, जब आप अपनी बुकिंग करते हैं श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से तो आपको टाइम स्लॉट दिया जाता है कि आपके पास ऑप्शंस होती है, 4 टाइम स्लॉट होते हैं, उनमें से आप कोई भी टाइम स्लॉट अपने अपने भवन पर पहुंचने के अकॉर्डिंग आप बुक कर सकते हैं। देखिए अगर तो भीड़ हो फिर तो आपके टाइम स्लॉट से अकॉर्डिंग ही भेजते हैं, लेकिन अगर भीड़ ना हो तो आपको किसी भी टाइम स्लॉट में भेज देते हैं। मैंने ये चीज मैंने ट्राई की हुई है। जय माता दी। पिछली वीडियो में जी काफी श्रद्धालुओं ने बोला था कि शिव गुफा और राम मंदिर का रास्ता दिखाइए, जब माता रानी के दर्शन करके आते हैं तो आप इस पॉइंट से एग्जिट लेते हैं, ऊपर आप कटरा के लिए जा सकते हैं वापस। अगर आपने शिव गुफा जाना है तो यहाँ से आपको 99 सीढ़ियाँ नीचे उतरना पड़ता है। शिव गुफा में कैमरा लेके जाना अलाउड नहीं है, तो मैं यहीं से आपको रास्ता बताऊंगा केवल। यहाँ से आप सीढ़ियाँ उतर के नीचे जाएंगे, राइट टर्न लेना जहाँ से सीढ़ियाँ खत्म हो रही है, और आप शिव गुफा में पहुँच जाएंगे जहाँ पर आप भोले बाबा के दर्शन करते हैं, और यहाँ से संकट मोचन हनुमान जी के भी आप दर्शन कर पा रहे होंगे। जय हो। और शिव गुफा के साथ साथ श्रद्धालु पूछते हैं जी राम मंदिर किधर है, तो देखिए जी यहाँ से आप सीधा चले जाएंगे तो आपको यहाँ पर राम मंदिर दिखाई देगा। जय श्री राम। राम मंदिर की ये डेकोरेशन आप देख सकते हैं जी, ये भी नई की गई है। और दोस्तों यहाँ पर लगती है अटका आरती की लाइन, जिन्होंने पर्ची ली होती है जी, टिकट ली होती है आरती में दर्शन करने के लिए। ये थी आज की वीडियो छोटी सी। जय माता दी। ये थी आज की छोटी सी वीडियो जिसमें मैंने आप सबको माता वैष्णो देवी जी के भवन से ताज़ा दृश्य दिखाया जी छठे नवरात्रि का। आशा करता हूँ कि आप सबको जानकारी जो भी दी गई है थोड़ी बहुत इस वीडियो के माध्यम से, आशा करता हूँ कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जयकारा माँ शेरा वाले का बोल साचे दरबार की जय, और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि माँ कात्यायनी जी की भी सदा ही जय। अष्टमी नवमी से पहले दर्शन करने आ रहे हो या अष्टमी नवमी वाले दिन दर्शन करने आ रहे हो, देखो जी मौसम का आपको कुछ नहीं अंदाज़ा लग सकता कि कब बारिश हो जाए। अभी अच्छा बताना भूल गया यार कि अभी अभी मैं दर्शन करके बाहर आ रहा हूँ। आज के दर्शन थोड़ा सा लेट किया क्योंकि भीड़ भवन पर बहुत ज़्यादा थी। मैं दर्शन करने गया था 5 नंबर गेट से जो जनरल लाइन चल रही थी, अभी मैं लगा था 4:15 बजे दर्शन करने के लिए लाइन में लगा था, और 5:30 बजे दर्शन करके बाहर आया हूँ। बस ऐसा है कि जब तू दर्शन कर लेते हैं ना हल्का सा सुकून हो जाता है यार कि दिन अब संपन्न हो गया, दिन पूरा हो गया,
और फिर बस अगले दिन की रहती है कि हाँ यार जैसे ही नया दिन चढ़े नया नवरात्रि शुरू हो दर्शन करने हैं महामाई की किसी भी हालत में। और बस जब यार एक्सपीरियंस शेयर करूँगा छोटा सा कि दर्शन करने के लिए जब जा रहा था तो मेरे आगे ना एक हस्बैंड एंड वाइफ लगे हुए थे, उनका एक छोटा सा बच्चा था, उन्होंने श्रृंगार चढ़ाना था महामाई को, उनके पास चोला था, बाकी जो आपको पता है जो भी महामाई को श्रृंगार चढ़ता है वो सारा था। तो दर्शन करने के लिए वैसे तो एक एक सेकंड भी नहीं रोक रहे थे, लेकिन जब जैसे ही वो गए उन्होंने श्रृंगार दिया आराम से, वहाँ पे उनका श्रृंगार उन्होंने माता रानी को चढ़ाया अर्पित किया और उनके पीछे मैं लगा हुआ था और मैं भी एकदम बढ़िया तरीके से दर्शन करके महामाई के बाहर की ओर आ गया। दर्शन जैसे ही किया ना मुख मेरा तो खिलखिला उठा और यार दर्शन करने आओगे ना एक हल्की सी एक और आपको वो बताना चाहूँगा चीज़ की, एक यार अपने साथ ताले ले आना भाई साहब, बैगा पैकेट और देखो चक के ले गया भाई, चार से चार पैकेट ले गया भाई, तेरा तो पंचमेवा गया। एक और छोटी सी सलाह देना चाहूँगा कि अगर आप दर्शन करने आ रहे हो महामाई के अगले एक हफ्ते तक, वैसे तो मेजर आप समझ लिया अष्टमी तक आ रहे हो ना, तो अपने साथ ताले कैरी कीजिएगा क्योंकि दुर्गा भवन जैसे ही खुलता है वहाँ पे धर्मशाला में लॉकर बने हुए हैं जहाँ पे आप दर्शन करने जाने से पहले अपना ताला मार के जा सकते हो आराम से। बाकी जय बजरंग बली। और आशा करता वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जयकारा माशेर वाले बोल सच्चे दरबार की जय। मिलता हूं आपसे बहुत जल्दी एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम बाय बाय। और ये देखिए त्रिकुटा हिल्स के बहुत ही खूबसूरत दृश्य, बाय।